Hey बिग बॉस, हाउ आर यू? आज जो मैंने बात करनी है वो हितेन जी के लिए करनी है, क्योंकि वो नॉमिनेट हो गए हैं, मतलब चले गए हैं. और दुख हुआ उनके जाने का, क्योंकि वो अच्छे आर्टिस्ट और सब जानते हैं उनको, सब प्यार करते हैं एज एन एक्टर. और उनके जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन चूंकि अगर उनकी कारकर्दगी बताई जाए तो हितेन जी आपको सुनना पड़ेगा. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप अपनी हद तक ही अच्छे इंसान हैं. अच्छा इंसान वो होता है जो सबको लेकर चले, और ये बहुत मुश्किल काम है. ये रियली बहुत ही हार्ड होता है कि आप सबको लेकर चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. आपकी कॉम्बिनेशन थी वकास के साथ, और वकास जो गेम खेल रहे हैं मुसलसल शुरू से लेके अब तक, वो सहारों को जमा कर करके, और आप बहुत बड़ा सहारा थे. ऑफ कोर्स एक ग्लैमर था आपका, और आपका नाम, आपकी पब्लिक वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इंक्लूड था उस डील में. तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि नॉमिनेशन जो थी वो किस वजह से हुई, किसने की, जो सबसे ज्यादा आपको फेवर करती थी, या जो जो सबसे ज्यादा आपके साथ प्ले करती थी, या एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना हुआ था, यानी कि एक आंख वाली वुमेन अर्शी. तो शी वॉज द वन हु नॉमिनेट ऑल ऑफ यू. अब पीछे रह जाते हैं आपके, क्या नाम है, पब्लिक ने दिए हुए वोट. तो वो क्लियर हो गए, दो बंदे क्लियर हो गए, और दो बंदे जो थे उनके वोट बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से आप जो थे वो उस दायरे में आए, अर्शी की वजह से और एंड वकास की वजह से. क्योंकि वकास ने उस टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया और किसी को कैप्टन नहीं बनाया. तो आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए. शिल्पा ने आपका नाम को 3-4 दफा शुरू में लिया, फिर क्योंकि वकास ही कंफ्यूज था कि किसका नाम लूँ. ऑफ कोर्स मैं तो हितेन का नाम लूंगा, उनको पता था कि जो वो लड़का है दूसरा वो तो चला जाएगा समहाउ, बट आप रुकोगे. तो उन्होंने आपके लिए फाइट नहीं की, शिल्पा से नहीं रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप हितेन का नाम लो और प्रियांक को जाने दो. नेवर से वन टाइम जो डिसाइड हो गया था, एंड ही से ओके, कीप रिमेम्बर दैट. शिल्पा ने जब आपका नाम लिया वो इसलिए लिया, जहां तक हम व्यूवर्स का जो देखने का अंदाज है, या जो हमें दिखाई दे रहा है, वो इस नजरिए से कि ऑन दी होल आपने कभी भी एज एन अ फीमेल एक्ट्रेस कभी सपोर्ट नहीं किया जब अर्शी उसको जलील कर रही होती थी. और बकास को तो छोड़ ही दो, वो तो सहारों का जो है ना, क्या कर मजमुआ है, इसका सहारा ले, इसका सहारा ले. उस वो अर्शी को आगे रखकर खुद को जिताना चाह रहा था कि अर्शी जो बदतमीज है उसकी बदतमीजी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं. आपका ये जानना बहुत जरूरी है. अर्शी जो थी बोल्ड थी प्लस बदतमीज थी, तो अब उसकी बदतमीजी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं. ये विकास की गेम थी, एंड ही डिड ए गुड जॉब फॉर दैट. और जो अर्शी है शी हैव नो ब्रेन, तो वो तू है तो तू है, मैं हूँ तो मैं हूँ, ये है तो ये है. I mean, दो लोगों ने, जो उसके दो फ्रेंड है, उन्होंने गलत बोल दिया तो भी ठीक है, उन्होंने सही बोल दिया तो भी ठीक है. शी डोंट हैव एक्चुअली, हाउ कैन शी यूज. तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको नॉमिनेट करने वाला कौन है और आपको ना सपोर्ट करने वाला कौन है. अगर शिल्पा ने आपका नाम लिया कि आप को जाना चाहिए, तो उसने ब्लंटली कहा भी, वो डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, नहीं, मुझे ये तीन तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे प्रियांक भी बहुत अजीज है, माय फ्रेंड हितेन, माय फ्रेंड. शी नेवर डिड दैट. शी सेड कि मैं हितेन से डरती हूँ, मेरे मुकाबले में है वो, तो उसके नंबर ज्यादा बढ़ सकते हैं, एंड इट्स अ गुड. I mean, आप बोल्डली बोलो. तो आप इसके पीछे देखिए कि आपको सपोर्ट रियली किन लोगों ने किया और किन लोगों ने नहीं किया. आप वैसे, आपके वोट्स हम लोग तो चेक करते रहते हैं, आपके वोट्स नहीं थे, और प्रियांक के और आपके बराबर बराबर थे वोट,
तो उसमें से हमें मतलब इन लोगों को चूज करना था। अगर हमें मिलता ये ऑप्शन तो हम जाहिर सी बात है आपको करते चूज, क्योंकि समहाउ और प्रियांक जो है बदतमीज है और ना हंजार है और बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता और डिप्लोमेसी से काम लेता है, तेरा कुछ मेरा कुछ वाला हिसाब है उसका। तो आपके लिए मुझे बहुत अफसोस है और लोगों को भी बहुत अफसोस है और हम आपको देखना चाहते हैं बिकॉज यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड बड़ी हम्बल तबीयत है आपकी, बट आप खड़े नहीं होते किसी के लिए। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खड़े हों। आई मीन कभी भी ऐसा रियलिटी शो दोबारा आप मिले तो आपको राइट का साइड ज़रूर लेना चाहिए। सिर्फ आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं बदतमीजी नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट बदतमीजी होने भी ना दें, किसी के साथ भी ना होने दें, किसी भी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो आपको ये बनता है और ऐसा नहीं कि मैं आपको डिसलाइक करती हूँ, मैं लाइक करती हूँ आपको एज एन एक्टर। आपने कोई रोल अदा नहीं किया प्रॉपर से, आप समहाउ जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही, जो भी आपने प्लान किया कि किस तरह से काम करना है, क्या गेम खेलनी है, बट आप दिखाई नहीं दिए, इसीलिए आपकी वोटिंग भी वो कम थी। तो शिल्पा आपके लिए इस बात की वो नहीं है कि आपको आंसर करें कि जी आपने मुझे क्यों वो किया। आपने उन दी होल अगर देखा जाए तो तमाम वक्त वो जलील व ख्वार होती रही है मुख्तलिफ लोगों के हाथों, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उसको सपोर्ट करने के, कभी वो दो टके का आदमी जो था आकाश, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, इस टाइप के लोगों ने मतलब जब आपकी फीमेल एक्ट्रेस को जलील करना शुरू किया है तो मतलब आप अपनी अपनी इज्जत बचा के साइड पे हो गए हैं। तो दिस इज रॉन्ग, आप इतने अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो अपने लिए अच्छे हैं और ये मतलब आप ब्लंटली कह दें कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ पर अपने लिए हूँ, मैं अपनी सेफ कर सकता हूँ, दूसरों को नहीं कर सकता। जो मुसलसल लोग आपको ये बोले चले जा रहे हैं कि वो तो बहुत शरीफ है, वो तो बहुत शरीफ है, भाई शरीफ हैं सिर्फ आप अपने लिए हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहती कि आपने बुरा किया, बट अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं तो फिर अच्छा इंसान तो फिर सबके लिए होता है, बराबर होता है उसका, किसी के साथ मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट हो रहा हो, अगर खुदा ना खास्ता यही चीज़ आपके साथ हो रही होती तो आई फील कि शिल्पा खड़ी हो जाती आपके लिए और भी लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप एक शरीफ इंसान की बेइज्जती हो। और कोई मतलब आपको भी यही करना चाहिए था। तो एनीवेज ऊपर नीचे तो गेम्स होती रहती हैं और सॉरी फॉर दैट कि हम आपको और नहीं देख सके, बट आई थिंक हम लोग आपको बहुत अच्छी किसी मूवी में या सीरियल में देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। गुड लक टू यू, थैंक यू सो मच।